जब ठंड और इन्फेक्शन एक साथ आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हमें खांसी और जुकाम होता है और नाक बहने लगती है। खांसते खांसते हमारे सिर में दर्द होने लगता है और सिर दर्द और गले में दर्द होने लगता है। बॉडी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसी सिचुएशन के लिए आज हम आपको एंग्लो कॉफ मिंट सिरप के बारे में बताएंगे। एंग्लो कॉफ मिंट सिरप जो है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा और इसका जो प्राइस है वो देख सकते हैं 115 यानी 115 रुपये इसका प्राइस है। और ये खांसी की बहुत अच्छी दवाई है। इसमें देखते हैं डेक्सट्रोमीथाफोर्न हाइड्रोब्रोमाइड इसमें मिला हुआ है जो सूखी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है और ये मस्तिष्क में खांसी पैदा करने वाले गतिविधि को कम करता है। डेक्सट्रोमेथाफोर्न एंटीट्यूसिव नामक दवाओं की कैटेगरी में आता है। डेक्सट्रोमेथाफोर्न हाइड्रोब्रोमाइड के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जैसे सुस्ती आना, चक्कर आना, एक्साइटमेंट, ऐंठन, वोमिटिंग और लूज मोशन होना। और देखें इसमें मिला है फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो सर्दी जुकाम और भी समस्याओं में दिए जाते हैं। इसकी उचित खुराक मरीज के उम्र और वह मेल है या फीमेल और इससे पहले उसकी स्वास्थ्य कैसी थी इस पर निर्भर करता है। फिनाइलेफ्रिन प्रेग्नेंट महिलाओं और जो महिला बच्चों को दूध पिलाती है इन पर हल्का इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको हृदय रोग जैसी समस्या है तो फिनाइलेफ्रिन देने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। और है इसमें सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड सिट्रिजिन जो है मेनली एलर्जी, अर्टिकेरिया पिगमेंटोशा, सर्दी जुकाम और भी प्रॉब्लम में दिया जाता है। सिट्रिजिन पेशेंट के लिंग, आयु और पिछली स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। सिट्रिजिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित है और जो बच्चों को दूध पिलाती है उन पर हल्का इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं डोजेस की, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो एडल्ट हैं वो 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार पी सकते हैं और जो शिशु हैं बेबी बच्चा वो 1/4 एक दिन में 3 बार पी सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेडिसिन के बारे में कि बच्चों के पहुँच से दूर रखें इसे। आपको दिखाएंगे कि मेडिसिन का कलर कैसा है। ये देखें मेडिसिन का कलर। ये देखें मेडिसिन का कलर ग्रीन ग्रीन टाइप का है मेडिसिन का कलर। ये देख सकते हैं।